हाय गाइस, वेलकम बैक टू मॉम.com इंडिया व्लॉग्स। सो आज कबीर का सेशन खत्म होने के बाद उसकी फर्स्ट हॉलीडे है और उसका रिजल्ट इतना अच्छा आया है कि उसको सेलिब्रेट करने हम लोग जा रहे हैं, भैया को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं क्लाइम सिटी, जहाँ पे कबीर एक पूरी वॉल क्लाइम कर जाता है, विच इज़ वेरी वेरी डेयरिंग बिकॉज काफ़ी हाइट है उस वॉल का। तो हम वहाँ जा रहे हैं और नूर के लिए भी वहाँ खेलने के लिए है, तो वी गोना हैव फन। और नूर यहाँ खा रही है काजू कतली जो नानी लेके आई है। yeah, first we'll see you. तो नूर का खाने का कॉन्सेप्ट है कि वो खुद से तो खाती है, बट वो खाती है और वो उस चीज़ को फेंक देती है। तो हम हंसते हैं कि ये थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको वाला कॉन्सेप्ट है, बट वो फेंक नहीं रही है। उसको बेसिकली ये नहीं पता कि कहाँ रखना है, बट क्योंकि वो टेबल पे नहीं खा रही तो वो कहीं भी गिर जाता है, तो वो प्रॉब्लम होती है। तो जैसे ही वो बाइट लेती है हमें भागना पड़ता है कि उसके नीचे हाथ रखो ताकि हम उस चीज को पकड़ लें। यस नूनू, यस। जब से नानी ऑस्ट्रेलिया से आई है, आज आई है दूसरा दिन, तो नानी जैसे ही आती है ना, नूर नानी को ऐसे हक करके बैठ जाती है। हाउ स्वीट इज दैट ना। कौन सिखाता है बच्चों को ये सब चीजें, ये अपने आप करते हैं ऐसा। अब जब जब नानी आ रही है वो ऐसे हक करके बैठ जाती है। नानी करो वो करेगी ऐसे। रेडी कबीर? थम्स अप, थम्स डाउन, पूरा थम्स अप। ऑलराइट, यू हैव टू फेस द वॉल, डोंट फेस बैक हियर एंड देयर, या जस्ट ट्राई इट हाफ। गोट गो स्लोली, ओके, ब्रीद एंड गो स्लो एंड डोंट लुक नीचे और लुक एट नानी, कंसंट्रेट ऑन योर क्लाइंब। कर गया पूरा। One more left, come on, you can do it. भाई साहब कितना ऊपर चढ़ गया यार। Slowly नीचे आओ, very good. Oh my God. पूरा चढ़ गया था। Very nice. Yes. Kabir, you can leave it also. Sit down, sister. It's not worth your time. नूर सुनो, फ्रिज नहीं खुलेगा। आपने फ्रिज के ऊपर कलर भी कर रखा है और अब आपको खेलना है। नहीं खोलूंगा मैं, नहीं नूर, नो, आई विल नॉट ओपन द फ्रिज। ओके, गेट असाइड। व्हाई डू यू लाइक द फ्रिज सो मच नूर? तुम देख रहे हो। टाइम के बाद मैं और सौरभ स्नीक आउट करके मूवी देखने आए हैं। रात के अभी बज चुके हैं 11, बच्चे सो गए हैं, नानी के पास हैं, और हम जॉन विक देखने आए हैं। एंड लुक एट दिस, ये एक नया मॉल खुला है हमारे घर के, लाइक जस्ट ऑपोजिट हाउस, जहाँ रेड लाइट जल रही है उसके पास एक यूटर्न लो और ये मॉल। इसे लेता हूँ मैं, इसकी पेप्सी की बोतल आई है, पेप्सी। क्या करें, नींद खोलने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। 11:30 बज गए, इतनी नींद आ रही है। मुझे लग रहा है तुम सो जाओगे मूवी देखते। ऐसा लग रहा है बिल्कुल। मैं नहीं सोऊंगा, मैं आई थिंक 15 मिनट जाग पाऊंगी। मेरी आंखों का ना शटर डाउन हो रहा है। कबीर फुटबॉल के लिए आया हुआ है अपने कार्ड्स लेके, और वो इतना एक्साइटेड है क्योंकि नानी भी आई है साथ में। नानी को तो लेके आओ, जाओ। कैसे आएगी नानी? कम नानी, आर यू एक्साइटेड? गुड मॉर्निंग। कबीर घर से कार्ड लेके आया अपने सर और स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए, फटाफट भाग के गया है। कबीर कैसा था, मजा आया आज? हाँ। कितना मजा आया और क्या किया आज आपने? Like, if I had to rate it out of 10, I'll give it 7. You'll give it 7. Yeah, oh. Because Atiksh was not here. अच्छा, because Atiksh was not here. You missed him. Yeah. Okay. नानी आपको मजा आया? बहुत. कितना मजा आया आपको? बहुत मजा आया. चलो. Next time I'll also take my FIFA card. चलो जल्दी. And that's the beautiful mama. So guys, मैंने अभी रैप अप किया कबीर का स्कूल ओरिएंटेशन। लास्ट 2 घंटे से मैं कबीर के स्कूल में थी, आज उसका ग्रेड 1 ओरिएंटेशन था। एंड सौरभ इज वेरी क्यूरियस क्योंकि सौरभ को पूरा अपडेट चाहिए होता है। एंड यू नो सौरभ इज दैट काइंड ऑफ अ पार्टनर जिसको एग्जैक्टली वैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे बोला गया। तो उन्होंने कैसे बोला, एक्साइटमेंट कैसा था, रिएक्शन कैसा था, सौरभ को उतना बताना पड़ता है। So I have quite a lot of ये देखो सर भी smile. What? You're saying I'm a gossip monger? Not a gossip monger, but you're dramatic. Yeah. You like exactly वैसे ही बताओ. So I have a lot of information to share, but you'll be pretty happy. Okay. Because you know one of the reasons हम कबीर के लिए ये स्कूल चाहते थे, because this school is really different and यहाँ में जो grooming होती है that's also very very different. Although ये CBSE और IB दोनों मॉडल्स के अंदर फॉल करता है, बट यहाँ पे ग्रूमिंग बहुत डिफरेंट होती है। जब आप ऐसे ओरिएंटेशन अटेंड करते हो तो आपको पता चलता है ये स्कूल क्यों अलग है। सो आई रियली हैव माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि कबीर यहाँ से बहुत अच्छा कुछ लर्न करके ही निकले और वेल ग्रूम्ड निकले, बिकॉज द स्कूल इज रियली गुड। सो नाउ गॉसिप टाइम। इसमें डाल लो, वापस डाल लो मखाने। And they all rolled over and मखाना fall down. Oh, आपको पता है वापस फिल करना है। Good girl. ये लो नूर, नूर ये लो, नूर फिल कर लो अपना। हाँ ये भी सब फिल कर लो। देखो 1, 2, 3। तो गाइस हमारे बैड टाइम्स का सिलसिला जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं। पीछे मानसी लेटी हुई है मास्क लगा के, और बेसिकली मैं कोई अपडेट दे देता हूँ मानसी को छुपा के थोड़ा। तो मानसी की 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है। उसको फील हो रहा है कि भाई उसके पेट में थोड़ा दर्द है और थोड़ा उसको एक्सर्शन फील हो रहा था, मतलब बॉडी टायर्ड लग रही थी। वो टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली चेक कर रहे थे लेकिन टेम्परेचर या फीवर कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन आपको अपनी बॉडी का पता चलता है और बॉडी जितनी टायर्ड है उतना रेस्ट मांग रही है, तो उससे भी लगता है कि भाई डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मानसी आज किसी तरह हॉस्पिटल गई और उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर से कंसल्ट करने के टाइम पे उसका फीवर भी वहाँ पे आ गया, मतलब आज से उसका फीवर स्टार्ट हो गया है और डॉक्टर ने कुछ मेडिकेशन वगैरह दिए हैं। जो कबीर का सिचुएशन गया है उसमें ब्लड टेस्ट ने इतना हेल्प किया कि मानसी ने प्रोएक्टिवली आज सुबह ही ब्लड टेस्ट अपने सारे करवा लिए जो फास्टिंग में नॉर्मल रहते हैं, और कल्चर का भी दे दिया है। तो जो भी होगा वो ब्लड टेस्ट में तो आ ही जाएगा, लेकिन प्रिकॉशनरी मेडिकेशन एक स्टार्ट हो गई है वो अभी थ्रोट की दी है, राइट मानसी? और अगर थ्रोट के अलावा कुछ और होगा, यूटीआई वगैरह कुछ भी और होता है तो वो ब्लड टेस्ट से ही इंडिकेशन आएगा और उसके बाद प्रॉपर मेडिकेशन स्टार्ट होगी। तो हमारे घर में यही सिलसिला चल रहा है, एक अगर ठीक हो रहा है, एक खड़ा हो रहा है तो दूसरा लेट रहा है। अब जैसे कबीर जो है वो उसकी तबीयत थोड़ी सी बेटर हुई है, थोड़ा इम्प्रूव होना शुरू हुआ है। नानू वहाँ पे काफ़ी बेटर हैं, डॉक्टर ने बोल दिया उनकी सर्जरी बिल्कुल ठीक हुई है, लेकिन यहाँ पे मानसी की तबीयत अब ख़राब हो गई और बेचारी मास्क पहन के बैठी हुई है। उसको हल्का सा 100 के करीब फीवर आ गया है और ध्यान रख रही है, सब कुछ कर रही है, बट वही है कि मतलब जब तबीयत ख़राब होती है आप उतना एक्टिव तो नहीं हो सकते। सो गाइज़ वैसे तो मैं ना मतलब इसमें बिलीव नहीं करती हूँ कि नज़र लगती है और किसी का बुरा होता है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप इतना अच्छा किसी के लिए कर रहे हो तो बुरा हो ही नहीं सकता। मतलब बुरा नज़र लगेगी बट बहुत सारी अच्छी नज़रें उसको ओवरकम कर देंगी। बट फर्स्ट टाइम लाइफ में ना मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारे घर को सच में किसी नज़र लग गई। मेरे को तो मैं डॉक्टर से ज़्यादा ना आप कोई पंडित जी ढूंढ रही हूँ जिनको बोलूँ आके थोड़ा हवन कर दो यार। ये इट इज़ अनबिलीवेबल कि कबीर अभी अपने फीट पे आया भी नहीं है और मेरा ये सिचुएशन स्टार्ट हो गया। और मुझे इतना डर है अंदर से क्योंकि कबीर की इम्यूनिटी अभी लो है, नूर है, सौरभ है जो हमारे को स्ट्रांगली सपोर्ट करके खड़ा है। मम्मा आज आ गई सुबह, मम्मी ने आज आके सोचा था सुबह जाके मैं शाम को आ जाऊँगी क्योंकि वहाँ पापा का भी ध्यान रखना है, उनको भी नहीं छोड़ सकते। मतलब क्या हो रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। तो प्लीज़ यार अपनी प्रेयर्स कंटिन्यू रखना। आई थिंक अभी आपको कॉन्टेंट से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट से ज़्यादा ये सब देखने को मिलेगा कि ऐसा भी फैमिलीज़ के साथ होता है। बुरे टाइम्स आते हैं जहाँ वन आफ्टर दी अदर आपका टेस्ट लिया जाता है और बुरी तरीके से लिया जाता है। सो आई जस्ट होप मेरा हल्के में निकल जाए, ये वायरल ही हो एंड नथिंग एल्स। सो या कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। और सबका प्रेयर सबके विशेज़ तुम्हारे साथ हैं मानसी, नथिंग टू वरी अबाउट।